हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्लास में आम दशम श्रेणी फिजिकल साइंस रो धातु अधातु चैप्टर रो 60 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करिबा। तो वीडियो को आरंभ करिबा पूर्वरु तुम्हारे रिक्वेस्ट, तुम्हें आम वीडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ निजर फ्रेंड मानक आम वीडियो को शेयर करूँ। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आज क्लास। तो तुम्हें फास्ट क्वेश्चन कौन दे, विशुद्ध अवस्था रे धातुर पृष्ठ चकचक करिबा गुण को कौन कहा जाए। क्वेश्चन कौन दे, विशुद्ध अवस्था रे धातुर पृष्ठ चकचक करिबा गुण को धातुर कौन बोली कहा जाए थाए? ताकू धातुर उज्ज्वलता बोली कहा जाए थाए। बुझिपारे? तो विशुद्ध अवस्था रे धातुर पृष्ठ कौन होता है, चकचक करिथाए, एही गुण को कौन कहा जाए थाए? एही गुण को धातुर उज्ज्वलता बोली कहा जाए थाए। बुझिपारे? देन दुई नंबर क्वेश्चन कौन दे, डैश धातु को किरोसिन रे बुड़ाई रखा जाए। तो यार आंसर कौन हम, सोडियम। कहीं सोडियम को किरोसिन रे बुड़ाई रखा जाए, तो यार कारण है सोडियम कौन करिथाय, जल सहित प्रतिक्रिया करिथाय। तेणु आपण मैंने जानते जे वायुमंडल जलीय बाष्प रही, जदि आम सोडियम को खोल रखिदे तो कौन हम, वायुमंडल जलीय बाष्प सहित यह प्रतिक्रिया कर, जहाँफल विस्फोट हो, निया सृष्टि हो। तेणु एथरु रक्षा करने आम सोडियम धातु को किरोसिन में बुड़ाई की रखि था। बुझिपारे? देन तीन नंबर क्वेश्चन कौन दे, आघात द्वारा धातु चदर में परिणत होगा गुण को कौन कह जाए। तो आपण मैंने गोटे धातु को नेबे, जदि आपड़े कौन परिणत हो, चादर में परिणत हो, तार से गुण को धातुर कौन बोली कहे, नमनीयता। बुझिपारे? तो कौन सी धातु को जदि आपड़े कि चादर में परिणत करें धातुर कौन बोली कह, नमनीयता बोली कह। बुझिपारे? देन चार नंबर क्वेश्चन कौन दे, धातुर तार बाहर गुण को कौन कह जाए। तो धातुर तार बाहर गुण को कौन बोली कह जाए, तन्यता बोली कह जाए। बुझिपारे? जदि कौन धातु को आपड़े कि चादर में परिणत कले आम धातुर कौन कह, नमनीयता कह। जदि आम धातु को कौन लंबा तार में परिणत कले आम कौन बोली कह, धातुर तन्यता बोली कह। ओके, देन पांच नंबर क्वेश्चन कौन दे, एक ग्राम सुनार प्राय डैश किमी लंब तार टणा जा पार। तो क्वेश्चन कौन अच्छी, एक ग्राम सुनार डैश किलोमीटर लंबर तार टणा जा पार। तो यार आंसर कौन हम, 2 किलोमीटर लंबर तार टणा जा पार। तो ये क्वेश्चन टी आप मन रखु। देन छ नंबर क्वेश्चन कौन दे, डैश एक तरल धातु। तो आपति एक धातुर ना कहतु जहाँ कौन अटे, तरल अवस्था रही थाए। तो आपने जानते जो अधिकांश धातुगुड़ी के अवस्था थाती, कठिन अवस्था थाती, यहाँ बाड़े यह कौन हो जाए, लंबा चादर में परिणत हुए, यार तन्यता गुण रही थाए। कि एमती एक धातुर ना कहतु जहाँ तरल अवस्था रही थाए। तो यार आंसर हो पारद। बुझिपारे? तो पारद एमती एक धातु जहाँ के अवस्था रही थाए, तरल अवस्था रही थाए। बुझिपारे? देन सात नंबर क्वेश्चन कौन दे, डैश धातु को छुरी रे कटा जाई पारिबो। तो एमती एक धातु ना कहतु जहाँ को आम छुरी रे काटी पारिबा। तो यार आंसर कौन हम, सोडियम को हम, देन पोटासियम हम। तो आपण मैंने कौन सी गोटे को मध्य लिखिपारे भे। किंतु सोडियम तुम मानी इंपोर्टाट अटे। तो सोडियम धातु को आपण मैंने छुरी रे काटी पारिबे। बुझिपारे? देन आठ नंबर क्वेश्चन कौन दे, आठ नंबर क्वेश्चन दे, पीवीसी रो पूरा नाम लेख। तो पीवीसी रो पूरा नाम कौन, पीवीसी रो पूरा नाम हूँ पॉली विनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी रो फुल फॉर्म कौन, पॉली विनाइल क्लोराइड। बुझिपारे? देन नौ नंबर क्वेश्चन कौन दे, डैश अधातु साधारण तापमात्रा रे तरल अवस्था रे थाए। तो एमती एक धातुर ना कहतु जहाँ साधारण तापमात्रा रे तरल अवस्था रही थाए। तो यार आंसर हो ब्रोमीन। तो एमती एक धातु कहतु जहाँ कौ अवस्था साधारण तापमात्रा रे तरल अवस्था थाए, पारद हम, अधातु पचारे तुम मैंने कौन कह, ब्रोमीन बोली कह। बुझिपारे? देन दस नंबर क्वेश्चन कौन दे, डैश अधातुर धातव औज्जल्य रही। तो आपण मैंने जानते जे अधिकांश धातुगुड़िकर औज्जल्यता न थाए। किंतु एमती एक अधातुर ना कहतु जहाँ कौन होता है, धातु पर चकचक करें। तो यार आंसर कौन हम, आयोडीन। बुझिपारे? तो आयोडीन गोटे कौन अटे, अधातु अटे, किंतु यार धातु पर कौन रही, औज्जल्यता रही। बुझिपारे? देन एगार नंबर क्वेश्चन कौन दे, डैश कार्बन रोटे कठिनतम प्राकृतिक अपरूप। तो एमती गोटे कार्बन अपरूप ना कहतु जहाँ कठिन अवस्था रही थाए। तो यार आंसर कौन हम, हीरा। तो हीरा हूँ कार्बन कठिनतम अपरूप। बुझिपारे? देन बार नंबर क्वेश्चन कौन दे,
सल्फर पाउडर को जाळिबा परे सृष्टि होउथिबा उत्पादर प्रकृति कौन अटे। तो सल्फर को जदि आपण माने कौन करिवे जाळिबे देन सेथिरे आपण मानको जो उत्पाद मिलिबो तार प्रकृति कौन अटे तार प्रकृति अम्लीय अटे। बुझी पारिले तो सल्फर को जाळिबा परे आपण मानको जो उत्पाद मिलिथाय तार प्रकृति कौन होइथाय अम्लीय होइथाय। देन 13 नंबर क्वेश्चन कौन दैछि उभय अम्लीय और क्षारीय प्रकृति प्रदर्शन करुथिबा धातव ऑक्साइड को कौन कहा जाए। तो उभय अम्लीय और क्षारीय प्रकृति प्रदर्शन करुथिबा धातव ऑक्साइड को एम्फोटोरिक ऑक्साइड बोली कहा जाए थे। तो यह तुम मन मोस्ट इंपोर्टेंट अटे। तो आपण एग्जाम पढ़ी पारे एम्फोटोरिक ऑक्साइड क्या कहुए तो आपने कौन कहे उभय अम्लीय और क्षारीय प्रकृति प्रदर्शन करुवा धातव ऑक्साइड को आम कौन बोली एम्फोटोरिक ऑक्साइड बोली बुझिपारे। दे 14 नंबर क्वेश्चन कौन दे एलुमिनियम एक मोटा प्रलब देवा प्रणाली को डैश कहुए तो आउ थे पढ़ी दौर एलुमिनियम एक मोटा प्रलब देवा प्रणाली को कौन कहुए तो यार आंसर हम एनो डाइजिंग कौन बोली कहा जाए था एनो डाइजिंग बोली कहा जाए था। तो एल्युमिनियम एक मोटा प्रलेप देवा प्रणाली को एनो डाइजिंग बोली कहा जाए था। देन 15 नंबर क्वेश्चन कौन दे डैश धातु थंडा जल रे भासे तो एमती एक धातु ना कहतु जहाँ थंडा जल रे भासी थाए तो यार आंसर कौन हम सोडियम। तो सोडियम साधारणतः थंडा जल रे भासी थाए। देन 16 नंबर क्वेश्चन कौन देखिए डैश धातु गरम जल रे भासे तो यार आंसर कौन हम मैग्नेशियम। तो मैग्नेशियम गरम जल रे भासी थाए बुझिपारे। देन तुम मानक नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए गार्ड नाइट्रिक एसिड और गार्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैश अनुपात में मिसी अम्लराज सृष्टि करती। तो नाइट्रिक एसिड आउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों अनुपात में मिसी अम्लराज सृष्टि करती तो यार आंसर हम 1:3 अनुपात में मिसी अम्लराज सृष्टि करती बुझिपारे। देन 18 नंबर क्वेश्चन कौन दे 18 नंबर क्वेश्चन दे धातुरु अधातु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सृष्टि होउथिबा यौगिक को डैश यौगिक कहा जाए। तो क्वेश्चन कौन दे धातुरु अधातु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सृष्टि होउथिबा यौगिक को कौन बोली कहा जाए आयोनिक यौगिक बोली कहा जाए थे बुझिपारे। देन 19 नंबर क्वेश्चन कौन दे MgCl2 यौगिकर कैटायन नाम कौन तो MgCl2 गोटे यौगिक कहीं गोटे मैग्नेशियम अच्छी आ क्लोरीन अच्छी जेहेतु एठार दुईट मौलिक अच्छी गोटे कौन अटे यौगिक अटे। तो ये जो MgCl2 अच्छी तो एथरे जो कैटायन अच्छी तार ना कौन Mg+। तो आपण माने जानिछंती जे इलेक्ट्रॉन दान करि परिबो ताकु आमे कैटायन बोली कहिथाउ जे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिबो ताकु आमे आनायन बोली कहिथाउ। तो एटा आपण माने जानिथिबे तो एठी Mg कौन अटे गोटे कैटायन अटे। देन 20 नंबर क्वेश्चन कौन दे धातु पिंड में मिसी रही अपद्रव को कौन कहा जाए तो धातु पिंड में मिसी रही अपद्रव को कौन बोली कहा जाए तो यार आंसर हम गांग। तो धातु पिंड में मिसी रही अपद्रव को कौन बोली कहा जाए गांग बोली कहा जाए। देन 21 नंबर क्वेश्चन कौन दे पारदर धातु पिंड नाम कौन तो पारदर धातु पिंड नाम हूँ सिनेबार। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ आपने मन रखु पारदर धातु पिंड नाम कौन अटे सिनेबार अटे। देन 22 नंबर क्वेश्चन कौन दे डैश प्रणाली रेल धारणा को संजोग करा जाए तो क्यों प्रणाली रेल धारणा को संजोग करा जाए यार आंसर हम थर्मिट प्रणाली। क्यों प्रणाली रे थर्मिट प्रणाली रे रेल धारणा को संजोग करा जाय थाय। देन 23 नंबर क्वेश्चन कौन दे वैद्युतिक विशोधन प्रणाली रे अशोधित धातु डैश भाव में व्यवहार करा जाए तो वैद्युतिक विशोधन करिबा समय रे अशोधित धातु को आम कौन भाव में व्यवहार करिथाउ एनोड भाव में व्यवहार करिथाउ। तो बुझिपारे तो वैद्युतिक विशोधन प्रणाली अशोधित धातु को आम कौ भाव में व्यवहार करूँ एनोड भाव में व्यवहार करिथाउ। तो तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे नेक्स्ट क्वेश्चन दे क्यों धातुर नमनीयता गुण सर्वाधिक तो यार आंसर कौन हम क्यों धातुर नमनीयता गुण सर्वाधिक यार आंसर हम सुना और रूपा। तो क्यों धातुर नमनीयता गुण सर्वाधिक सुना और रूपार नमनीयता गुण सर्वाधिक। देन 2 नंबर क्वेश्चन कौन दे क्यों अधातुटी तरल अवस्था अच्छी तो अधातुर ना जेहेतु पचार तुम मैंने कौन कह ब्रोमिन कह कि धातु पचार थे तुम्हें कौन कही पारद बोली बुझिपारे। देन 3 नंबर क्वेश्चन कौन दे क्यों धातु द्वय को हाथ पापुले रखिले ताहा तरली जाए तो यार आंसर कौन हम गैलिलियम ओ सीसीयम बुझिपारे। तो एमती दुईट धातु द्वयर ना कह जहाँ को आम हाथ पापुले रखिले तरली जाए यार आंसर हम गैलिलियम आउ सीसीयम
बुझिपारे देन 4 नंबर क्वेश्चन कौन दे कार्बन क्यों अपरूपर गणनांक और स्फुटनांक अति बेसी अटे तो कार्बन एमती एक अपरूपर ना कह जार गणनांक आउ स्फुटनांक बेसी अटे तो यार आंसर कौन हम हीरा तो हीरा एमती एक कार्बन गोटे अपरूप अटे जार गणनांक आउ स्फुटनांक कौन अटे बेसी अटे बुझिपारे देन 5 नंबर क्वेश्चन कौन दे कार्बन क्यों अपरूपर विद्युत सुपरिवाही तो कार्बन गोटे अपरूपर ना कह जहाँ विद्युत सुपरिवाही तो यार आंसर कौन हम ग्राफाइट हाँ कि ना तो आपने जानते ग्राफाइट विद्युत सुपरिवाही अटे किंतु आउ अन्य समस्त कौन अटे विद्युत कुपरिवाही अटे कहार कार्बन जिते भी सब अपरूप अच्छी तादूर ग्राफाइट ही केवल विद्युत सुपरिवाही बुझिपारे 6 नंबर क्वेश्चन कौन दे कपर वायुर उपस्थित जलिले क्यों रंगर उत्पाद सृष्टि कै हुए तो तुमको क्यों उत्पाद मिलता है कपर अक्साइड तो आपने जानते कपर अक्साइड रंग कौन अटे कला अटे तेणु तुमको उत्पाद जो मिल क्यों उत्पाद मिल कला रंगर उत्पाद मिल बुझिपारे देन 7 नंबर क्वेश्चन कौन दे एलुमिनियम अक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड्र प्रतिक्रिया द्वारा क्यों लवण अटे सृष्टि हुए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रतिक्रिया कौन मिलता है सोडियम एल्युमिनेट मिलता है कौन मिलता है सोडियम एल्युमिनेट्र लवणटी मिलता है बुझिपारे देन 8 नंबर क्वेश्चन कौन दे 2 एम्फोटोरिक ऑक्साइड नाम लेख तो 2 एम्फोटोरिक ऑक्साइड ना हूँ गोटे हूँ एल्युमिनियम ऑक्साइड आ गोटे हूँ जिंक ऑक्साइड ए L2O3 हम एटा जिंक ऑक्साइड ZNO हम बुझिपारे तो 2 एम्फोटोरिक ऑक्साइड ना कौन गोटे हूँ एल्युमिनियम ऑक्साइड आ गोटे हूँ जिंक ऑक्साइड देन 9 नंबर क्वेश्चन कौन दे एनोडाइजिंग प्रणाली में क्यों धातु को एनोड रे संयुक्त करा जाए तो यार आंसर कौन हम एल्युमिनियम तो एनोडाइजिंग प्रणाली में एल्युमिनियम को एनोड रे संयुक्त करा जाए था 10 नंबर क्वेश्चन कौन दे क्यों धातु जल सह प्रतिक्रिया करी निया सृष्टि करे तो एमती एक धातु ना कह जहाँ जल सह प्रतिक्रिया कले कौन सृष्टि करे निया सृष्टि करे तो कौन हम सोडियम तो सोडियम साधारण जल सहित कौन कै प्रतिक्रिया कले निया सृष्टि करे देन 11 नंबर क्वेश्चन कौन दे क्यों धातुद्वय अति लघु नाइट्रिक अम्ल सह प्रतिक्रिया करी हाइड्रोजन गैस निर्गत करे तो क्वेश्चन कौन दे क्यों धातुद्वय अति लघु नाइट्रिक अम्ल सह प्रतिक्रिया करी हाइड्रोजन गैस निर्गत करे तो यार आंसर कौन हम मैग्नेशियम आ गोटे हम मांगानीज हाँ कि ना तो 2 आपण मानक ना मन रख 2 धातु ना मन रखु गोटे हूँ मैग्नेशियम आ गोटे हूँ मांगानीज जीक लघु नाइट्रिक अम्ल सहित प्रतिक्रिया कले हाइड्रोजन गैस सृष्टि करे देन 12 नंबर क्वेश्चन कौन दे क्यों पदार्थ रे सुना गहना सफा करा जाए तो एमती एक पदार्थ ना कहतु जहाद्वारा आम सुना गहना को सफा कर यार आंसर कौन हम अम्लराज तो अम्लराज द्वारा सुना गहना को सफा कराए देन 13 नंबर क्वेश्चन कौन दे आयरन सल्फेट द्रवण से तंबाकर बुड़ाइले क्यों प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया हे तो आयरन सल्फेट द्रवण से आम जब कौन करवा तंबाकर बुड़ाइबा तो क्यों प्रकार प्रतिक्रिया हे कौन सी प्रतिक्रिया हेबना बुझिपारे देन 14 नंबर क्वेश्चन कौन दे Na+ तो सोडियम रहा कौन अच्छी काटायन अच्छी तो यार बाह्यतम कक्ष में कतोटी इलेक्ट्रोन थाए तो ये जेहेतु काटायन अच्छी तो प्लस अच्छी ए कौन कर गोटे इलेक्ट्रोन देदेव तो आप जानते सोडियम परमाणु क्रमांक केते अटे 11 अटे तो यह आम लिखिपर 2, 8, 1 हाँ कि ना कारण आपने जानते ऑक्टेट रूल अनुसार बाह्यतम कक्ष सब 8 इलेक्ट्रोन रही सबू एलिमेंट मैंने चेष्टा करती जहाँफल से कौन करती बाह्यतम कक्ष जदि किसी अल्प परिमाण इलेक्ट्रोन रही है ताकि डोनेट कर दिखती तो यह कौन कर गोटे इलेक्ट्रोन देदेव जहाँफल यार बाह्यतम कक्ष में कतोटी इलेक्ट्रोन रोटी इलेक्ट्रोन र बुझिपारे तो आपको क्वेश्चन कौन दे सोडियम बाह्यतम कक्ष में कतोटी इलेक्ट्रोन थाए आपसर देते 8 ओके देन 15 नंबर क्वेश्चन कौन दे क्यों यौगिक गुड़िक साधारणतः जल द्रवणीय किंतु किरोसिन बा पेट्रोल अद्रवणीय तो यार आंसर हम यार आंसर कौन हम यार आंसर हम विद्युत संयोज्य यौगिक गुड़िक कौन हम विद्युत संयोज्य यौगिक गुड़िक साधारणतः जल द्रवणीय किंतु किरोसिन आ पेट्रोल कौन अटंती अद्रवणीय अटंती देन 16 नंबर क्वेश्चन कौन दे प्रकृति में भूतकु मिलूता मौलिक व यौगिक को कौन बोली कह जाए तो प्रकृतिर भूत्वक्रु मिलुथिबा मौलिक बा यौगिक को आम कौन बोली कही था खनिज बोली कही था बुझिपारे देन 17 नंबर क्वेश्चन कौन दे सल्फाइड धातुपिंड को ऑक्साइड रे परिणत करने क्यों प्रणाली अवलंबन करा जाए तो सल्फाइड धातुपिंड को ऑक्साइड रे परिणत करने क्यों प्रणाली
रोस्टिंग प्रणाली अवलंबन कराए। तो सल्फाइड धातुपिंड को ऑक्साइड में परिणत करने रोस्टिंग प्रणाली अवलंबन कराए। देन 8 नंबर क्वेश्चन कौन दे धातुर परिष्करण बेले एनोड तले बसी जाउथिबा अद्रवणीय अपद्रव को कौन कहुए। तो धातुर परिष्करण बेले एनोड तले जो अद्रवणीय अपद्रव बसी जाए आम कौन बोली एनोड कर्दम बोली कही था। कौन बोली कही था एनोड कर्दम बोली कही था। तो यहाँ तुम मानों पर मोस्ट इंपोर्टेंट या तुम्हें माने मन रखु। देन 19 नंबर क्वेश्चन कौन दे मुक्त भाव में प्रकृति में मिलूता दुईट धातुर नाम कहतु। तो तुम मानक एमती दुईट धातुर ना कह पड़ जहाँ आपण मैं भूतक्रु मुक्त भाव में मिलता है। तो आंसर कौन हम सुना और रूपा बुझिपारे सुना और रूपा प्रकृति कौ अवस्था मिलता है मुक्त भाव में मिलता है। देन 20 नंबर क्वेश्चन कौन दे विशुद्ध लुहार क्यों पदार्थ मिसाइले यह शक्त हुए। तो यार आंसर हम कौन कार्बन। ओके तो विशुद्ध लुहार आम कौन मिसाइले यह शक्त होता है कार्बन मिसाइले यह शक्त होता है। तो यह आज तुम मैं क्लास। तो आज क्लास में मुझे धातु अधातु चैप्टर 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कली। तो मुझे डिटेल्स तुमको बुझेली जदि भी कौन सी जगह तुमको डाउट लगुच आपने कमेंट बॉक्स जा निजर डाउट को आमको पचारिपारे। जदि भिडियोटी भल लगे तेज भिडियो को लाइक करूँ निजर फ्रेंड मानक सेयार करूँ और हाँ आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलु ना। तो पुणी देखा एक नुआ क्लास। थैंक यू बाय एंड टेक केयर।